देखिए, सपा बसपा एलडी जो गठबंधन हुआ है, ये स्वाभाविक है कि मजबूत गठबंधन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जिसके संबंध में सर्वे भी अब चैनलों पर आप लोगों के माध्यम से विभिन्न चैनलों पर देखने को भी मिल रहा है कि सपा बसपा एलडी तीनों मिला के 5 सीट थी, लेकिन अब उसको 5 की जगह लोग 55, कोई 54, कोई 50, अलग अलग सर्वे जो आ रहे हैं, ये साबित है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बना हुआ है। इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। भारतीय जनता पार्टी को हम आज 15 महीने से समझा रहे हैं कि एक बड़ा वोट है, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, और 80 लोकसभा सीटों में हर सीट पर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख अति पिछड़ा वोट है, जो यही सरकार बनाता और बिगाड़ता है। इस वोट को जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण है, उसमें बंटवारे को लेकर के कमेटी सरकार ने बनवाई, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, 3 कैटेगरी बनाने की पेशकश किया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। इसी को लागू कर दें तो सपा बसपा गठबंधन से फिर कांटे का मुकाबला हो जाएगा, तो फिर इनका जो स्कोर ऊपर का है वो नीचे गिर करके चलाएगा, एक बड़ी ताकत के रूप में फिर हम उभर जाएंगे। जिस तरह से सर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है, क्या लगता है कांग्रेस इससे मजबूत स्थिति में आएगी? देखिए, जो सुसुप्तावस्था में कांग्रेस थी उसमें जागृति आई है, उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश आया है। वोट तो हमको नहीं उम्मीद है कि वोट बढ़े, हाँ ये जरूर है कि जो बूथ पर जाने के स्पीड उनकी 10% थी या 10 किलोमीटर की थी, वो स्पीड इस समय 70-75 की हो गई है, बस इतना है, लेकिन उनके साथ बूथ पर जाएगा कौन? ये भारत पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है।